अच्छा एक बात बताइए धीरेन जी, ये आप अपना संविधान नहीं बदलते रहते क्या? मैं आपकी पार्टी ने तय किया था, आपको याद है ना, आप तो अपनी पार्टी के बड़े अध्ययनशील प्रवक्ता हो, कि एक ही कार्यकाल रहेगा, 3 साल का रहेगा, फिर गडकरी जी के लिए आप लोगों ने कार्यकाल का स्वरूप बदल दिया था। फिर वो तो अलग मामला है कि पूर्ति वूर्ति का कुछ मामला हो गया तो गडकरी जी नहीं हो पाए। अभी अभी आपने फैसला लिया, अब तो आप निर्वाचन भी नहीं कराओगे, बगैर निर्वाचन के भी अध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था आपने कर ली। तो जो आप करते हो वो सही हो जाता है, बाकी जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है धीरे जी? हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नेशनल काउंसिल बुला करके उसमें कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है तो वो ठीक नहीं है नेचुरली। और आप ठीक ही कह रहे होंगे, और जितनी भी अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई जी नेचुरली वो भी नहीं होनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल क्यों होनी चाहिए, जब एक जी बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अंबेडकर जी लिख गए तो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए था। जी तो अगर उसमें गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं उस तरह से अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई तो वो चारा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती।